अच्छा वो मैंने बचा ली थी रात को अपनी आइसक्रीम। पंछी बन उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ओए आइसक्रीम खा रही है, वाह इसका मतलब इसने रात को अपनी आइसक्रीम बचा ली थी। चालू कहीं की हुआ तेरे को, क्यों कांप रहा है तू? पता नहीं बैल। ओए तेरे को तो बुखार हो रहा है बहुत जोर से। यार कैसे हो गया ये पता नहीं। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने तेरे ऊपर ठंडा पानी डाला था ना इसलिए तेरे को बुखार हो गया। आना दे मम्मी को जरूर बताऊंगा ये सब तेरी वजह से हुआ। नहीं भाई प्लीज मम्मी को मत बताई, मम्मी को पता लगा ना कि ठंडा पानी डालने की वजह से तेरे को बुखार हुआ है तो मार मार के मेरे भी बुखार चढ़ा देंगी। बताऊंगा भाई प्लीज ना। अच्छा एक शर्त पे छोड़ दूंगा। क्या? मेरा आज का और कल का होमवर्क कर दो। ठीक है कर दूंगी मैं। बुला दो मम्मी को, दवाई दे देंगी वो। क्या हो गया इसको सोते सोते? ओए तुझे तो बहुत तेज बुखार है, बुखार कैसे हो गया? मम्मी मुझे लग रहा है मुझे ना मलेरिया हो गया, कल रात को बहुत मोटे मोटे मच्छरों ने काटा है मेरे को, देखो निशान भी हो रहे हैं। हाँ मम्मी मेरे को भी बहुत सारे मच्छरों ने काटा था, देखो निशान पड़े हुए हैं। मच्छर कैसे हो सकते हैं, मैं तो ऑल आउट लगा के सोई थी। रुको डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो डॉक्टर मैडम, मेरे बेटे को ना बुखार हो गया है, एक बार आके इसका चेकअप कर दो। ठीक है। सब ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? जब तक हुआ तुम बताऊंगा। मैं लेके आती हूँ, शायद डॉक्टर आ गए। तेरे को भी बुखार कर देता हूँ। देखो ना डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार हो रहा है, बोल रहे मलेरिया हो गया है। अच्छा मतलब तुम डॉक्टर भी बन गए, अब हमारा काम तुम ही करने लगे। ऐसे कैसे मलेरिया हो गया? चेक करने दो मुझे। बैठो आप, मैं आपके लिए पानी लाऊं? नो थैंक्स, कॉफी ले आइए आप। मम्मी मेरे लिए भी ले आना। चुप। थर्मामीटर
अभी पता लग जाएगा कितना मलेरिया है क्या है। आपसे कैसे डॉक्टर बन रहे हो तुम? वो खोलो जीभ, ऊपर ऊपर जीभ बंद करो बस। वैसे हुआ कैसे इसको बुखार? पता नहीं दीदी, मेरे को तो अभी पता लग जाएगा। मदरा आ गयो, सांस लो, गुड, रिलीज, सांस लो, रिलीज, बस पीछे हो जाओ। बुखार तो है, वो भी 102 बुखार है। और ये मलेरिया वाला बुखार नहीं है, ये ठंडे पानी वाला बुखार है। नाक देखो कितनी लाल हो रखी है इसकी। ठंडे पानी वाला? तू ठंडे पानी से नहाया है? मम्मी मैं नहीं नहाया, इसने मेरे को ठंडे पानी से भिगा दिया था सुबह सुबह ही। कोई बात नहीं, मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा ये। ठंडे पानी में नहाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? रहो बीमार, अब डॉक्टर ना हो तो तुम्हारे इलाज कैसे हो फिर? बहुत शरारते करते हो, बहुत शरारती बच्चे हो तुम तो दोनों। दर्द तो नहीं होगा इंजेक्शन में दीदी? बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बस चीटी जितना लगेगा, ठीक है? आओ हाथ आगे करो, बस बस उधर देख लो। हाँ हो गया हो गया, लग गया। पता लगा? बिल्कुल पता नहीं लगा ना। उधर तो रहा इंजेक्शन लगने पे, देखियो तेरे को लगेगा ना तो रोएगी। हाँ। अभी हो जाएगा ठीक, ठीक है मैं चलती हूँ मैम। मान ले इंजेक्शन कल तेरे को लग गया तो मम्मी तो गई, बच गई मैं। तूने डाला था ना इसके ऊपर ठंडा पानी? हाँ मम्मी ने लाया इसने, और बोला था मम्मी को मत बताइयो। मम्मी मैंने नहीं करा कुछ भी, मेरी आइसक्रीम खा गया था मम्मी, छोड़ दो मम्मी। मम्मी आपको पता है इसने बहुत ठंडा पानी डाला था और दो दो आइसक्रीम ला के दे रही थी मेरे को। तू चुप बैठ बिल्कुल। बेचैनी सी क्यों हो रही है, ठंड भी लग रही है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? मम्मी को बुलाऊं? यार मम्मी तो दवाई देगी अगर मम्मी आ गई तो। छोड़ ऐसे ही सो जाती हूँ, सुबह उठ के क्या पता ठीक हो जाए। गरम भी हो रही हूँ, मम्मी को बताऊंगी तो डॉक्टर को बुलाएंगी और वो इंजेक्शन लगाएंगी, दवाई भी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं बुखार में ही रह लेती हूँ, मम्मी से छुपा लूंगी कुछ भी करके, दो दिन में तो ठीक हो ही जाऊंगी। उठ जाती हूँ वरना मम्मी को शक हो जाएगा। कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है।
नैन्सी, क्या हुआ बेटा, दिन में क्यों सो रही है तू? सो नहीं रही थी मम्मी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी मैं। लेटी हुई थी? तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तुझे बुखार कब हुआ? रात से है मम्मी, आपको बताती तो आप दवाई देते, डॉक्टर को बुलाते, वो इंजेक्शन लगाती। मेरे बच्चे, मैं डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगी तो ठीक कैसे होगी? डॉक्टर को तो अभी बुलाऊंगी मैं। मम्मी मत बुलाओ ना, ऐसे ठीक हो जाएगा ना, रेस्ट करूंगी तो। बेटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो दवाई देगी और चली जाएगी, ठीक है? वाह जी वाह, बेटे को तो आपके 102 बुखार, बेटी ने कराया 103, एक पॉइंट आगे चल रही है मैडम। तुम दोनों बहन भाइयों का सही है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ता है। सही तो है दीदी, आपकी तो पैसे बन रहे हैं। कब हुआ बुखार? कल शाम से। अच्छा, कल रात से इसको बुखार है और आप अभी बुला रही है मुझे? मुझे भी तो अभी पता चला है, इस नालायक ने बताया कहा है मुझे, वो तो मैंने उसको सोते हुए देख लिया। दोनों बहन भाई डॉक्टर बने हुए हो, अपने आप ही इलाज कर लो, फिर इंजेक्शन देना पड़ेगा इसको। डॉक्टर दीदी, इंजेक्शन मत लगाओ ना प्लीज, कुछ और कर लो, चाहे मेरे साथ मार लो पीट लो मेरे को, मैं आपके सारे काम कर दूंगी, इंजेक्शन मत लगाओ। नहीं, 103 बुखार बहुत होता है, देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, काम नहीं चल सकता, देना ही पड़ेगा। मम्मी प्लीज बोल दो ना दीदी को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। आओ, कुछ दर्द नहीं होएगा। देखो हिलोगी ना, मुझे लग जाएगा ये ऐसे। अपने लगा लो मेरा, मैं लगाऊंगी इंजेक्शन। हो गया। देखा हुआ दर्द? नहीं हुआ ना, खाम खा डरती है। दर्द तो नहीं हुआ। ये लो, ये बुखार की दवाई है और ये खांसी जुखाम की, दो दो टाइम दे देना दिन में। दीदी पीने वाली दवाई दे दो ना, खाने वाले मत दो प्लीज। लगाऊं एक और इंजेक्शन? लगा दो। मार पड़ते रहते हैं, डॉक्टरों को बुलाते रहते हैं, ख्याल रखना नहीं है बच्चों को। जा रही हूँ मैं, ध्यान रखना और दवाइयाँ टाइम पे लेना। दुश्मन है मेरे सारे। ले बेटा, जल्दी जल्दी से ये खा ले, फिर दवाई भी देनी है। मन नहीं कर रहा खाने का। बेटा खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी, तुझे दवाई भी तो लेनी है। मम्मी बस और नहीं खा जाना। ये ले। मम्मी इतनी बड़ी गोली मेरे से नहीं खाई जाएगी। तू तो छोटी बच्ची थोड़ी ना, जो तुझे पीस के दूंगी, ये पकड़ दवाई। मेरे से नहीं खाई जाएगी, शकल ही गंदी होती है इनकी तो। बेटा दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी, ये पकड़। बदबू आ रही है मम्मी इसमें से। खा ले। मैं उल्टी कर दूंगी। कर, उल्टी कर। भगवान क्या करूं इस लड़की का, सारी दवाई निकाल दी। तूने तो मम्मी, मैंने कहा था ना मेरे से दवाई नहीं ले जाती, मेरे गले में अटक जाती है। एक तो इतनी बड़ी बड़ी दवाई और ऊपर से इतना बड़ा इंजेक्शन ठोक दिया मेरे। बच्चे तू जब दवाई नहीं लेगी तो आराम कैसे लगेगा, एक बात बता। मेरे से नहीं ली जाती मम्मी गोली, मैं नहीं खा रही।
अब की बार है ना, मैं तुझे ऐसे दवाई दूंगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू देख, दवाई खाओ और पता ही ना चले, ऐसा थोड़ी होता है, इतनी कड़वी होती है। इसको चीनी में कूट के जब देती हूँ दवाई, फिर देखती हूँ इसको कैसे उल्टी आती है। आकर, ये क्या है? चीनी है। आकर, चीनी क्यों दे रहे हो? पर नहीं आई ना उल्टी, मैंने दवाई दे दी तेरे को चीनी में मिला के, थोड़ी थोड़ी कड़वी लगी। चल ठीक है, अब तू आराम कर, मैं और काम निपटा लूं। खांसी की दवाई, ये तो बड़ी मीठी मीठी होती है, एक सिप पी के देखता हूँ। ये तो बड़ी मीठी है, सारी पी जाता हूँ। अब मस्त नींद आएगी। अब तू आराम कर और रात की दवाई और ले ले खांसी की। क्या देख रही है? ये तो खाली है मम्मी, इसमें दवाई नहीं है। खाली है? दवाई कहाँ गई इसकी? दवाई कौन पी गया? मम्मी कहीं ये रौनक ने तो नहीं पी ली मेरी सारी दवाई? सुबह से सो रहा है ये। जगा इसको। रौनक, रौनक क्या है मम्मी? दवाई किसने ली है ये? मैं दवाई तूने पी है? हाँ मैंने ही पी थी, ये दवाई मेरे को बहुत मीठी मीठी लगी, एक सिप पी के बाद सारी पी गया ना। राम खोज तू है ना, सुधरेगा नहीं, कितना समझ में नहीं आ रही, सुधरता नहीं है तो बिल्कुल भी। अरे ये कोई दवाई थोड़ी है, ये तो शरबत है। नींद आ रही है, सोने दो मेरे को, do not disturb। मम्मी ये नहीं उठेगा, दो दिन तक सोता रहेगा। ओ भाई, बार बार कीचड़ में क्यों मार रहा है? अबे तू पागल पागल है क्या, बार बार कीचड़ में मारे जा रहा है? आ ला रहा हूँ, ज्यादा मत बोलो। अरे तू पागल है, कीचड़ में बॉल मारे जा रहे, जा उठा के ला खुद। ओ भाई जब तुम डालते मैं भी तो ले गया, तुम पागल समझ रखा है क्या मेरे को? ओ भाई चुप चाप जाके बोल लिया। ओ दादा नहीं बोल रहा है तू? लागे तेने बेरा कोनी, मैं कौन हूँ भाई? भूल गया क्या तू कौन है? अपने पापा से जाके पूछना तू कौन है, मेरे को क्या पता साला कूता आदमी। मेरे को कूता बोला? मैं डॉक्टर दीदी को बुलाती हूँ। हेलो दीदी, मैं नैंसी बोल रही हूँ। दीदी मेरे भाई के सर में चोट लग गई है, प्लीज आप आ जाओ जल्दी से। हाँ हमारी सोसाइटी वाले पार्क में, हम जल्दी आना। क्या हुआ है, कहाँ लगी है? दीदी इसके सर पे से खून आ रहा है। ये कैसे लगी? वो हमारा दोस्त है ना गुड्डू, उसने गुस्से में इसके बैट मार दिया सर पे। ये बच्चे भी ना कितने बदतमीज होते हैं, ये नहीं सोचते कि खेल खेल में किसी को लग जाएगी चोट। ध्यान से खेला करो ना। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। रुको मैं अभी पट्टी कर देती हूँ, ज्यादा नहीं लगी है, वैसे भी कुछ नहीं होता, छोटी सी चोट है। तेरे को जरूरी था उससे लड़ाई करना?
बहन वो अपना नाम भूल गया था, उसे याद दिला रहा था उसका नाम। ठीक है, अब ठीक फील हो रहा है? हाँ ठीक ठीक फील हो रहा है। ध्यान से खेला करो, चलो उठो घर चलो, और घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा स्ट्रांग बनो, चलो। कितना गंदा है ना ये गुड्डू, बदतमीज कहीं का, देखता भी नहीं है कि किसी को तेज लग सकती है। अब देखियो बहन तू, अब देखियो, गुड्डू ने मेरे को एक बार चोट मारी है ना, उसको दो बार सर फाड़ूंगा। पागल है क्या तू, इन सब से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, वो तो बदतमीज है, तू बदतमीज थोड़ी ना है, ऐसे लड़ाई नहीं करते है। बहन बिना पीटे मेरे को चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, तू चिंता मत कर, शाम को देख तेरी बहन के पास ना एक प्लान है, अपने आप संभाल लूंगी मैं। ठीक है बहन चल। ये चोट कैसे लग गई इसके? वो मम्मी खेल रहे थे ना, पहले मैं गेट बंद कर दूं, मच्छर आ रहे हैं। वो हम लोग खेल रहे थे ना, तो ये सीढ़ियों से उतर रहा था जल्दी जल्दी करके, तो गिर गया सीढ़ियों से। हाँ। पर हमने डॉक्टर दीदी को बुला लिया था और उन्होंने इसकी पट्टी कर दी। हे भगवान, इन बच्चों ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है, देख कैसे सिर फुड़वा के आया। अंदर चल, हल्दी वाला दूध दूंगी तुझे। हाँ मम्मी, हल्दी वाला दूध दे दो। भाई का सर पाड़ा तूने है? आया बड़ा हमसे पंगे ले रहा था। हाँ। वापिस मत आइयो, दिख मत जाइयो सोसाइटी में। दोनों बहन भाई ने मिलके मेरे को मारा, उनकी मम्मी को बताना पड़ेगा मेरे को। अरे तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? आंटी आपके बच्चों ने मेरे को बहुत मारा, ये देखो ना लाल कर दिया फेस। तुझे मारा? ओ बदतमीज, हमारे घर क्यों आया तू कंप्लेंट करने? हम गए थे तेरे घर। हाँ तो बहस क्यों कर रहा था, बहस करेगा तो मारूंगा ना। मम्मी इसने सर फोड़ा, इसका रौनक का बदतमीज से ने, आगे कंप्लेंट लेके। पर तू तो यूं कह रही थी ना स्टूडियो फेंक गया था। वो इसने सर फोड़ा है। तूने इसका सिर फोड़ा है ना? रुक जा, तुझे तो मैंने क्या कहा मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं करा इसको। तू समझी नहीं, दोनों की ना नहीं है तो शरारत में। मैं नहीं हूं मम्मी, ये दोनों लड़ रहे थे। ये बदनसीब बच्चे मेरे किस्मत में रखे थे। और सुन, चुपचाप अपने घर चला जा, नहीं तो तेरी मम्मी से शिकायत कर दूंगी। नहीं आंटी। तुम दोनों के दोनों ना चुपचाप सोफे पे बैठ जाओ, दो दिन तक बाहर निकलना बंद अब तुम्हारा, और गए भी ना तो देख लेना क्या हाल करूंगी, तेरी लाल कर दूंगी तोड़ तोड़ के। चक्कर क्यों आ रहे यार? हो गया, मम्मी को देखियो कितने पसीने आ रहे, बिल्कुल ठंडी पड़ गई। क्या हो गया बहन मम्मी को एकदम से? मम्मी को हुआ क्या, ऐसे चक्कर खा के गिर गई। मुझे लग रहा है मम्मी का ना बीपी लो हो गया, जो अक्सर होता है मम्मी को। हम क्या करें, कुछ भी पता नहीं हमें तो क्या करते हैं। तू डॉक्टर दीदी को फोन करना। मम्मी अब घबराओ मत। हेलो डॉक्टर दीदी, मैं नैन्सी बोल रही हूँ। दीदी मम्मी को ना चक्कर आ गए पर गिर गई बेहोश हो गए, शायद ना मम्मी का बीपी लो हो गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना। बेटा अभी तो मैं ओटी में हूँ, अभी ऑपरेशन चल रहा है, तो मेरे को तो टाइम लगेगा आने में, आधा घंटा लगेगा लगभग। आधा घंटा लगेगा? बेटा अभी तो मैं ओटी में हूँ, ऑपरेशन चल रहा है और मैं बात भी नहीं कर सकती, मुझे आधा घंटा लगेगा आने में। ठीक है दीदी, आप जल्दी आना प्लीज।
क्या हुआ बहन? दीदी ना हॉस्पिटल में है, वहाँ ना ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन कर रही है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगी, आधा घंटा लगेगा उनको। यार बहन क्या करे? याद करना, दीदी ने कुछ बताई थी हमें बातें कि इमरजेंसी में कैसे हैंडल कर रही है सिचुएशन। तो आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ 10 साल से, और मेरे पेरेंट्स भी आपके फैमिली डॉक्टर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप हर चीज़ के बारे में अवेयर रहें, कौन सी मेडिसिन कब देनी है। हाँ मैडम, आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इन बच्चों को इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करें। रौनक अपना मेडिकल बॉक्स लेके आओ, अंदर रखा है रूम। तो ये बुखार की दवाई है, किसी को भी बुखार हो तो इसको ज़रूर देना। और दूसरी ये सर दर्द की है, और उसके बाद ही किसी को भी वॉमिटिंग जैसा फील हो उसको ये ज़रूर दे देना। और ये खांसी जुकाम हो उसमें ज़रूर ये वेपोरब लगाना, और अगर गैस हो रही है तो ये इनो। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, मम्मी को बहुत गैस रहती है। और ये है पेट दर्द की दवाई, ठीक है? ओके रौनक, नैन्सी। और अगर किसी को बीपी की दिक्कत होती है तो उसके भी सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन दीदी बीपी तो दो टाइप का होता है ना, बीपी लो और बीपी हाई। हाँ लो और हाई होते हैं बीपी। लो में हमेशा हमें मीठा देना चाहिए, नींबू पानी देना चाहिए, नमक देना चाहिए, फिर कॉफ़ी देनी चाहिए। और अगर हाई बीपी हो तो हमें नमक मिर्च मसाले अवॉइड करने चाहिए ताकि कंट्रोल में रहे। ओके। और दीदी कभी कभी किसी किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है, उसमें क्या करें? अगर ऐसा होता है तो उसको पानी बिल्कुल भी मत देना और किसी बड़े को इन्फॉर्म करना, ठीक है? आ गया समझ में? ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट बात है। और आपको तो पता ही है गर्मियों में कितनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है? और अगर कहीं पे भी पेन हो हाथ पैर सर या पेट में तो पेन किलर्स अवॉइड करनी है। ये नहीं कि आप लेते रहोगे उसको, कभी इमरजेंसी में होती है तो चल जाती है, लेकिन रेगुलरली कभी नहीं लेनी। नेचुरल रेमिडीज भी होती है पेन को रिलीफ देने के लिए। ओके बहन मैं पंखा चला के आता हूँ। जल्दी पंखा चला दो। पसीने तो सूख गए मम्मी के। हाँ बहन सही में पसीने तो सूख गए। कॉफी, दीदी ने कहा था कि बीपी लो में ना कॉफी पीते उससे ठीक हो जाता है बीपी लो, और नमक चटाते। तू एक काम कर, पहले मेरे को नमक ला के दे दे प्लीज। अभी लाया बहन। ले बहन। मैं ना इतना कॉफी बना लाता हूँ, तो मम्मी का ख्याल रख। ये ले बहन कॉफी। मम्मी मम्मी उठ जाओ, मम्मी लो कॉफी पी लो, ये लो मम्मी पी लो, मम्मी पी लो। मम्मी हम लोग तो डर ही गए थे, आप जैसे गिरे ना किचन में बेहोश होके, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर दीदी ने उस दिन हमें चीज़ें बता दी थी कि क्या क्या करना चाहिए, वही याद आ गई बस हमें। हाँ बच्चों मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।